Okay, Vikas, let's proceed ahead with your technical snap for Bihar Public Service Commission lecture post you are going, right? Yes, sir. Okay, and we go today for casting, technical snap of casting, right? Yes, sir. मेरे को चिप्स एंड मेरे को जो आपके चैपलेट्स होते हैं यस सर. उनका मेरा बताओ क्या होते हैं वो? सर चैपलेट्स जो होते हैं वो जो हम कोर को सपोर्ट करने के लिए सर हम चैपलेट का यूज करते हैं. और डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या यूज करते हैं? सर हम उसके लिए हम चिल्स यूज करते हैं और पैडिंग या और पैडिंग यूज करते हैं. तो चिल्स कौन से मटेरियल के बने होते हैं? चिल सर जो हमारा जिस जिस मटेरियल का हमको कास्टिंग करना है उसी का सर हम चिल्स बनाते हैं सर, जहां तक मुझे पता है. ओके, और राइजर का क्या फंक्शन है? राइजर का फंक्शन है कि सर जो हम जब हम मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं मोल्ड में तो उसमें सर लिक्विड, तो चूंकि मेल्टिंग पॉइंट सर हायर टेम्परेचर पे होता है तो पहले लिक्विड का श्रिंकेज होता है तो उसको, और फिर जो हमारा फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है लिक्विड टू सॉलिड, उसको जो श्रिंकेज होता है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए राइजर का यूज करते हैं. ओके आप कितने तरह के राइजर्स जानते हैं? सर राइजर टॉप राइजर होते हैं, साइड राइजर होते हैं और ब्लाइंड राइजर होते हैं. ब्लाइंड राइजर किसको बोलते हैं? जो सर हमें मतलब जो ऊपर से देखने पर हमें दिखे ही ना, मतलब वो मोल्ड में ही रहता है, उसका जो बाहर नहीं होता है उसका ऊपर का पोर्शन. तो आप राइजर जो होते हैं वो कौन सी शेप के बने होते हैं विकास? सर राइजर सर सिलिंड्रिकल शेप के बने होते हैं सर. बेस्ट शेप कौन सी होती है? बेस्ट शेप तो सर हमारा स्फेरिकल होता है. तो स्फेरिकल के क्यों नहीं बने होते? बिकॉज सर उसका डिजाइन कंस्ट्रेन है कि हम उसको मतलब मोल्ड शेप नहीं दे सकते हैं, मतलब देना मुश्किल हो जाएगा. और फिर और मेटल का फ्लो भी सर होना, क्योंकि उसमें बहुत छोटा होल नीचे की तरफ होगा तो मेटल भी नहीं फ्लो इजीली कर पाएगा. ओके, प्रोडक्टिविटी से रिलेशन नहीं है इसका? प्रोडक्टिविटी मुझे सर जैसा मैं सोच पा रहा हूँ कि यहाँ सर प्रोडक्टिविटी भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मतलब वही मेटल का फ्लो फ्लूडिटी अच्छा नहीं रहेगा मेटल का. अच्छा, मेरे को कुछ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के बारे में बताओ, क्या होता है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग? सर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में जो होता है सर उसमें हम जो पैटर्न यूज करते हैं वैक्स पैटर्न यूज करते हैं. तो पहले हम तो फर्स्ट स्टेप है कि सर हम पहले उस पहले तो जैसा हमको कास्टिंग चाहिए उसके लिए पहले उसका पैटर्न बनाते हैं, वैक्स वैक्स पैटर्न बनाते हैं. फिर उस वैक्स पैटर्न पे हम उसको फिर हम उस पे हम स्लरी के थ्रू कोटिंग करते हैं, मतलब फेनोलिक रेजिन्स मतलब का स्लरी होता है जिससे हम उसको कोटिंग करते हैं. फिर उसमें जिसको मैं स्टुकोइंग प्रोसेस बोलते हैं शायद, तो उसे एक उस पर एक कोटिंग आ जाता है, मतलब कहने का मतलब एक मोल्ड एक शेप आ जाता है वैक्स पैटर्न पे. फिर उस पर हम मोल्टेन मेटल डालते हैं तो वो वैक्स पिघल जाता है, वैक्स नीचे गिर इसकी जाता है एप्लीकेशंस मोल्टेन. बताओ कहाँ पे होती हैं? सर हम टरबाइन टरबाइन ब्लेड्स में इसका यूज करते हैं. और जो हमारे डेंटल फिक्चर्स होते हैं, ज्वेलरीज के लिए यूज करते हैं, और भी जितने भी जिसमें कॉम्प्लिकेटेड शेप्स होते हैं तो उसके लिए अच्छा, भी मेरे यूज करते को हैं. सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के बारे में कुछ बताइए। तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग जो होता है कि ड्यू टू द रोटेशनल मोशन मतलब हम मोल्टेन मेटल को फ्लो कराते हैं जिससे हमारा सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल शेप प्रोडक्ट बनता है, जिसमें जो जो हायर डेंसिटी मटेरियल है वो सर बाहर वो आउटर आउटर एज पे होता है और जो लोअर डेंसर होता है वो इनर एज पे होता है. और जिससे हम पाइप्स बना सकते हैं, जो भी सिमेट्रिकल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं सर. ओके, ये आपका जो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं?
यस सर, जैसे कि बताए कि सर हम पाइप्स बना सकते हैं सॉलिड या हॉलो, या मतलब जो भी एक्सियल सिमेट्रिकल हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, जो कि सर जैसे हम एलॉय व्हील्स बना सकते हैं, अच्छा, ये जो जो भी। आपकी ऑर्नामेंटल ज्वेलरी होती है ना, ऑर्नामेंटल सी दिखती है कुछ, घर में पड़ा होता है ऑर्नामेंटल सी यस चीजें, ये कौन सी प्रोसेस से बनाई जाती हैं? ये तो सर सर मुझे जैसा कि मैं सर गेस कर पा रहा हूँ कि सर सर शायद इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से बनाई जाती फ्लश कास्टिंग क्या होती है? फ्लश है। सॉरी सर, स्लस कास्टिंग। सर स्लस कास्टिंग सर होती है कि इसमें हम एक इसका जो इसमें हम सर एक कैविटी हॉलो प्रोडक्ट्स जनरली हम इससे बनाते हैं सर। हॉलो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, स्टैचूज बनते हैं। सर इसके बारे में सर थोड़ा कम आइडिया है सर। और शेल मोल्ड कास्टिंग, शेल मोल्ड कास्टिंग है कि सर हम इसमें मतलब पहले मेटालिक पैटर्न के थ्रू हम एक एक शेल बनाते हैं, जो कि हम उसमें मेटालिक पैटर्न के थ्रू पहले जो हमारे रेजिन्स होते हैं, या मतलब जो भी हमारे मोल्डिंग मोल्डिंग सैंड होते हैं, उसके थ्रू हम पहले उसको एक सेल मोल्ड बनाते हैं थ्रू हीटिंग। तो और फिर उसमें सर जब जब वो सेल बन जाता है, फिर उसमें मोल्टन मेटल पोर करके हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छा, आप कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में कुछ बता सकते हैं? यस सर। सर कास्टिंग डिफेक्ट जो होता है सर, बहुत सारे रीजन होते हैं ड्यू टू द सर पहला है कि ड्यू टू जो सर जो गैस मतलब गैस ड्यू टू गैस डिफेक्ट जिसको बोलते हैं, जिससे हमारे जो कास्टिंग में सर पोरोसिटी आ जाती है, ड्यू टू इंक्लूजन्स आ जाते हैं, ब्लो होल्स बन जाते हैं, और फिर ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन की हम ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के कारण सर हमारा सर हॉट टीयर्स हॉट क्रैक्स बन जाते हैं। अगर मोल्टन मेटल का फ्लूडिटी अच्छा नहीं है तो सर मिश्रण मिश्रण हो जाता है। अच्छा, ये अगर मैं मोल्टन मेटल का पोरिंग टेम्परेचर बढ़ा दूं तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगा? सर अगर हम पोरिंग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो सर जो हमारा मोल्डिंग सैंड है वो सर बर्नआउट हो जाएगा, और जिससे हमारा जो हमारा कास्टिंग है उसमें इम्प्योरिटी जा सकता है सर। ओके ओके विकास, लेट मी गिव यू फीडबैक। विकास, आपका ना जो ये है कास्टिंग में भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। स्पेशल कास्टिंग जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत यस इंपॉर्टेंट है, और स्पेशल कास्टिंग सारी प्रोसेसेस पढ़ो और देखो कि उनकी एप्लीकेशन क्या है। वो पार्ट आपका मिसिंग है अभी, स्पेशल कास्टिंग प्रोसेसेस, उनको वर्कआउट करो, एंड दैट पार्ट यू नीड टू वर्क इट आउट, राइट? ओके इसको देखो हाउ वी कैन वर्क ऑन दैट, वो वाला पार्ट अभी ओके वीक है, सर तो मेरे हिसाब से कास्टिंग में भी वर्कआउट करना पड़ेगा आपको। ओके सर।